तो आप लोग कैसे हो उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए फिर देसी जुगाड़ से नई रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही इंस्टेंटली है जल्दी बन जाती है और कुछ नया चटपटा ट्राई करने का मन करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो रात के बचे हुए अनाजों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि कोई चीज़ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों उसका हम जुगाड़ लगा के एक न्यू रेसिपी बनाएंगे और आपको ये न्यू ट्रिक न्यू रेसिपी अच्छी लग जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ऐसी अच्छी और जुगाड़ू रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकूँ तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी देख लेते हैं कि कैसे बनता है तो दोस्तों सबके घरों में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत अनाज पका या कच्चा बच जाता है तो कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा ही आटा बना लिया था और इतना थोड़ा सा बच गया था जितना रोटी हमको खाना था उतना बनाने के बाद इतना आटा बच गया था और साथ ही साथ आटा के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो मैसी आलू की चोखा है ये भी चटपटा था ये बच गया तो कल रात रोटी मैसी आलू की चोखा और जो दाल चने दाल की तड़की होती है वो बनी थी तो दाल की तड़की ख़त्म हो गई और ये दोनों बच गया तो मैंने सोचा कि चलो इसका हम यूज़ कर लेते हैं कुछ नया ट्राई कर लेते हैं दोस्तों से तो आप इसको अगेन थोड़ा सा फ्राई करके या इसकी चपाती बना के खा सकते हो लेकिन ये बहुत ही पुराना है क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करें दोस्तों जो बहुत ही डिफरेंट हो और बहुत ही हेल्दी भी हो बढ़िया हो क्रिस्पी हो तो बस वही रेसिपी आज मैं जुगाड़ लगा के एकदम न्यू आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी तो ये रात की आटा है आप इस रेसिपी के लिए फ्रेश आटा भी ले सकते हो तो इसको एक बार हम हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे रगड़ लेंगे तो दोस्तों इसको अच्छे से मसल लिया है रगड़ लिया है अब हम क्या करेंगे इसको इक्वल पार्ट में हम पाँच लोई जैसे रोटी की लोई होती है ना वैसे इक्वल पार्ट में हम इसको पांच लोई में काट लेंगे दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हो पाँच बराबर मात्रा में मैंने लोई काट ली है तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा आटा हमने स्प्रिंकल कर लिया है और इसको रोटी से थोड़ा हमें बड़ा बेलना है यहाँ पे आप देख सकते हो पांच रोटी मैंने बराबर करके बेल ली है और इसकी थिकनेस बिल्कुल इस तरह से है अब हम इस पर अपना काम करेंगे तो दोस्तों अब हम इसमें सबसे पहले जो हमारे टमाटो कैचअप आता है उसको हम इस पर कर देंगे चारों तरफ बढ़िया से इसको ऐसे करके हम लगा देंगे रोटी पे अब ये जो हमारी रात की बची हुई आलू थी दोस्तों तो ये देखिए अब हम इसको चारों तरफ रोटी में आराम से चपेट देंगे दोस्तों बहुत ही फ्लेवरफुल नाश्ता होने वाला है दोस्तों जो जी के चटोरे हैं उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है दोस्तों हमने आलू को सारी जगह डाल दिया है अब ये जो नेक्स्ट चपाती है हम इसके ऊपर डाल लेते हैं बढ़िया से इसको कवर कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रीन चटनी है तीखी वाली इसको भी हम चारों तरफ रोटी के ऊपर डाल देंगे दोस्तों चटनी स्प्रेड करने के बाद अगेन हम इसमें जो है आलू हमारी और जो हमारे बचे हुए अनाज हैं उनका भी अच्छा सा स्नैक हम बना के रेडी करेंगे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनता है दोस्तों जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा तो दोस्तों आप सारे आलू को हम चारों तरफ बढ़िया से फिर से अगेन फैला लेते हैं तो दोस्तों आलू को अच्छी तरह से लगाने के बाद एक बार हम फिर बढ़िया से ये रोटी को ये देखिए बढ़िया से इस पे डाल दिए हैं चटनी लगा देंगे हरा चटनी ये देखिए चारों तरफ फिर से हम फैला के लगा देते हैं इसके आगे आप बर्गर पिज्जा समोसा कचौरी पकौड़ी सब भूल जाओगे दोस्तों ये सबको मात देने वाला एकदम सुपर सुपर टेस्टी क्रिस्पी स्नैक्स है दोस्तों सबको बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों देखिए कितना बढ़िया लग रहा है चारों रोटी में अच्छे से हमने चटनी और केचप और आलू को स्टफिंग कर दिया है ये लास्ट रोटी है इसको भी हम इस पे इसके ऊपर बढ़िया से डाल देते हैं दोस्तों ये देखिए बढ़िया से हमने डाल दिया है और इसको जो सारे रोटी हैं इसका कोन जो है नीचे हमने डाला था बढ़िया से ये इसको लॉक कर देंगे ये देखिए बढ़िया से ये लॉक हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पानी हमने स्टीम करने के लिए पहले ही छोड़ दिया था तो आप जिस बर्तन में स्टीम करोगे उस बर्तन को बढ़िया से आप ऑयल से या घी से ग्रीस कर लीजिएगा दोस्तों लो टू मीडियम पे आप ढक्कन लगा के हम इसको सात से आठ मिनट इसको स्टीम होने देते हैं आप देखिएगा कि एयर कहीं से ना निकले सात से आठ मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं हमारे दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर का सरफेस बढ़िया से ये पक गए हैं अब इस स्टेज पे हम अपना गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ये देखिए बढ़िया से ये हमारा हो गया है जब तक हमारी रेसिपी ठंडी हो रही है हम यहाँ पे स्लरी रेडी कर लेते हैं तो यहाँ पे वन फोर्थ करीब हम इसमें टर्मरिक पाउडर डालेंगे साथ ही साथ इसमें हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे दोस्तों क्योंकि हमने वो आलू का चोखा डाला है तो उसमें भी नमक होगा और चटनी वगैरह सब डाला है उसमें भी नमक होगा तो नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा यहाँ पे वन फोर्थ करीब हमने नमक डालना है और एक चम्मच भर के हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं आप चाहो तो चिली फ्लेक्स की जगह रेड चिली पाउडर आती है ना उसको भी दे सकते हो और एका एक पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके हमें ना तो ज़्यादा गीला और ना ज़्यादा पतला हमें स्लरी रेडी करना है एकदम मीडियम में रेडी करना है दोस्तों तो इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं दोस्तों ये देखिए दोस्तों ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी जो स्लरी है और सॉरी दोस्तों मैं बोलना भूल गई थी कि मैदा मैंने मैदा की स्लरी बनाई है इसमें छः से सात चम्मच मैंने मैदा डाला था फिर सारी सामग्री डाल के पानी डाल के इसको इस तरह से हमने स्लरी रेडी कर ली है इसको हम साइड रख देते हैं दोस्तों हमारा नाश्ता भी बढ़िया से रेसिपी भी ठंडी हो गई है और ये इजिली निकल जाएगा अगर आप इसको पलटोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों एक बार ऐसे टैप कर दीजिएगा बढ़िया से हमारा ये देखिए बढ़िया से हमारा नाश्ता निकल गया है अच्छे से पक भी गया है कोई डर की बात नहीं ये ऐसे भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा देखिए डरिएगा नहीं कि निकलेगा कैसे ये बिना नुकसान किए हुए निकल जाएगा देखिए कहीं भी चिपका नहीं है तो दोस्तों आप इसको हम अपने मन अनुसार सेब से काट सकते हैं आपको जैसी इच्छा हो वैसा आप काट लीजिएगा मैं इसको स्क्वायर सेप में काटूंगी और ये वैसे भी बहुत हेल्दी है दोस्तों तो ये देखिए कोई टेंशन की बात नहीं है बढ़िया से ये कट जा रहा है तो दोस्तों बिल्कुल डरिएगा नहीं कि ये कटेगा कैसे ये देखिए कितना इजीली से आराम से कट जा रहा है और ये जो कॉर्नर है थोड़ा सा इसको भी अगर आप चाहो तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हो इसको लेकिन ऐसे करके अगर आपको साइड्स के एजेस नहीं चाहिए छोड़ो ये कम तो ये देखिए दोस्तों बिना टूटे फूटे ये बढ़िया से डरिएगा मत बढ़िया से ये इजली कटा जाएगा तो दोस्तों सारे नाश्ता को इस स्लरी में हम डिप कर लेंगे बढ़िया से चारों तरफ घुमा घुमा के और जो एक्स्ट्रा स्लरी है हम उसको निकाल देंगे और हमारी जो ऑयल गरम है दोस्तों ये देखिए हमारी ऑयल गरम है मैंने पहले ही दे दिया है कम तेल में मैं इसको तल रही हूँ और मेन बात मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में तल रही हूँ दोस्तों मस्टर्ड ऑयल बहुत हेल्दी होता है ये देखिए सारे जो हमारे स्नैक्स हैं रेसिपी इसमें मैंने डाल दिए हैं तो मस्टर्ड ऑयल को मैंने काफ़ी हीट कर लिया है दोस्तों पहले बहुत हाई कर लिया है अब जब मैं ये रेसिपी बना रही हूँ तो हमने लो टू मीडियम पे एकदम कर दिया है ये तो हमारी पकी हुई रेसिपी है दोस्तों बस इसको क्रिस्पी और क्रंची और बढ़िया लुक देने के लिए इसको हम थोड़ा सा कम तेल में इसको फ्राई कर रहे हैं और कोई परेशानी और दिक्कत की बात नहीं है ये बहुत ईजिली ये देखिए दोस्तों बहुत ईजली इस साइड से दूसरे साइड पलट जाएगा ये देखिए और इसका कलर कितना बढ़िया लाइटली गोल्डन आ गया है बहुत ही क्रिस्पी करारे ये स्नैक्स है दोस्तों आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये लीजिए दोस्तों कम समय में घर के बचे हुए अनाज से क्रिस्पी क्रंची सिंपल तरीके से हमारी ये स्नैक्स टी टाइम स्नैक्स बनके रेडी हो गई है ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है कितना हेल्दी है जब तो हमने स्टीम किया वैसे भी इस नाश्ते को आप खा सकते हो क्योंकि ये स्टीम था हेल्दी था चटनी वगैरह के साथ लेकिन ये देखिए इस प्रोसेस से ये एकदम कितना आप आवाज़ सुन रहे होंगे दोस्तों कितना क्रिस्पी क्रंची है और सुपर सुपर हेल्दी है दोस्तों क्योंकि ये घर के सामान से आटा से और आलू से बना है इसके सामने सारे कचौड़ी समोसा पकोड़े बर्गर बीजा फेल है दोस्तों तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया और सुपर लग रहा है बनाने में कोई भी झंझट नहीं और इजिली बन जाता है ऐसे तो हमने आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर का स्टफिंग में हमने चटनी आलू केचप डाला है इसको ऐसे ही आप चाय के साथ चाहे कि चुसकियों के साथ इंजॉय कर सकते हो और साथ ही साथ टिफिन वगैरह सब में भी आप इसे ले जा सकते हो और देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों देख सकते हो दोस्तों तो एक बार इस ट्रिक से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आनंद आ जाएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका टेस्ट कैसा था दोस्तों ये देखिए सुपर बढ़िया दोस्तों बहुत ही टेस्टी है एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को तो जब तक ऐसी ही प्यारी रेसिपी से मिलती हूँ तब तक आप खुश रहिए आवाज रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी इस प्यारी सी दोस्त को ये प्यारी सी रेसिपी ट्राई करके याद करते रहिए बाय बाय टेक केयर